हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी हेयर से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करने वाली है, क्योंकि हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है ना, वो हर किसी को है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो या फिर बच्चे, हर किसी का हेयर फॉल हो रहा है और हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। और अगर आप हर चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, सारी चीज़ें आप यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए, इस ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारे हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, बाहर से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से इस तेल को तैयार करते हैं। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स, 1 टेबल स्पून कलौंजी के बीज, 1 कप हमें करी लीव्स लेना है, और यहाँ पे मैंने 500 ml लिया है कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले हमें एक पैन ले लेना है और उसमें हम ये जो कोकोनट ऑयल है ना 500 ml का, वो पूरा ऐड कर लेना है और इसे गर्म होने देना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और उसे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। तो ये गर्म हो गया, अब हम इसमें फेनुग्रीक सीड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर लिया है इस पर, और 1 टेबल स्पून इस पर कलौंजी के बीज डाल दिए है, और जो यहाँ पे हम 1 कप करी लीव्स का यूज़ कर रहे हैं ना, वो ड्राई करी लीव्स है, क्योंकि अगर हम फ्रेश लेंगे तो फिर हमें उसे सन इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा, और अगर नहीं कराएंगे तो फिर तेल हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ड्राई करी लीव्स को यूज़ किया है, और इसे धीमी आँच में हम 5 से 10 मिनट पकने देंगे। तो ये जब पक जाएगा इस तरीके से, तो सारे जो इन्ग्रीडियंट्स उनके कलर इस तरीके से हो जाएंगे, तब फिर हमें गैस को बंद कर लेना है और इसे ठंडा करके छान लेना है। और छानने के बाद आप चाहे तो किसी ग्लास का जार हो आपके पास, बॉटल वगैरह, या फिर किसी जैम वगैरह का बॉटल वगैरह हो, तो उसको अच्छे से धो ले और फिर उसी पर इसे छान कर रख सकते हैं, या फिर आप उसी नारियल के तेल के बॉटल पे ही आप रख सकते हैं। तो ये हमने पूरा छान लिया है यहाँ पर, और अब हम इसे स्टोर करके रख लेंगे। और अगर इसे थोड़ा सा कुनकुना है तो आप तुरंत इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे और इसे अपने बालों पर लगाएंगे। किस तरीके से लगाना, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अपने बालों में ऑयलिंग करने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। मैंने पहले ही अच्छे से सुलझा लिया था, और उसके बाद हमें इसे लेकर थोड़ा थोड़ा सा अपने पूरे स्कैल्प में, बालों के रूट्स में, बालों के पूरे लेंथ में अच्छे से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट मसाज देना, उसके बाद ओवरनाइट इसे छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 घंटे पहले शैम्पू करने से आप इस हेयर ऑयल को अप्लाई करिए, ऑयलिंग करिए अपने बालों में, 5-10 मिनट अच्छे से मसाज करिए, और उसके बाद आप इसे शैम्पू कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पर ऑयलिंग हो गया है कम्प्लीट। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख दूंगी, नेक्स्ट डे मैं से वॉश कर लूंगी हर्बल शैम्पू से या कोई माइल्ड शैम्पू से। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल होती है आपके लिए, तो मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सपोर्ट करिए मुझे। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इसी तरीके की रेमेडी के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।